जय हिंद प्यारे बच्चों, आइए एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एन विषय में। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में। फिलहाल SN2 तो आपका पूरी डिटेल बता दी गई थी, आज हम पढ़ने वाले आपका क्या SN2 अभिक्रिया की। नहीं, SN2 अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? SN2 अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होगा भैया, ये एक चरण में पूरा होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, है तो SN2। ठीक है, ट्रिक कैसे लगे आपके पास, क्या है टू मॉलिक्यूलर आपके पास, क्या वहां पे अगर देखा है क्या लिखा SN2, लेकिन होती कितने चरणों में है, एक चरण में। और जो SN1 होती है बच्चों, वो होती है कितने चरणों में, दो चरणों में। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा, SN1 जो होती है वो दो चरण की है और SN2 जो होती है वो एक चरण की होती है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं क्या SN2 अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया। अब SN2 की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो SN2 अभिक्रिया का फुल फॉर्म क्या हो गया भैया, बिल्कुल लिखा ही है, द्वि अणुक नाभिक्षण हित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर हिंदी में हम लिखें तो बनेगा आपके पास क्या, द्वि अणुक। ठीक है, द्वि अणुक और नाभिक्षण ही, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्यारे बच्चों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्या, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर देखा है आपके पास क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, किसके 2023 के परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्या होगा आपके पास SN2 अभिक्रिया के लिए, अगर देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आपके पास क्या भैया, SN2 अर्थात क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिकुलर। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर। देखिए जब यूनिमॉलिकुलर की बात आती है तो हमारे पास होता क्या है, जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी भी बेचारी की बहुत कम हो जाती है। जैसे ये देखा गया आपके पास क्या, इसमें आपके पास है क्या कुछ इस तरह से, देखिए सी सी के साथ आपके पास सब हाइड्रोजन है, नहीं सब हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन, और यहां पे आपके पास क्या हैलोजन परमाणु लगा हुआ, जैसे बी आर है वो लगा हुआ। यहाँ पे प्रेरण प्रभाव न होने के कारण, प्रेरण प्रभाव मतलब क्या भैया, इंडक्टिव इफेक्ट तो है ना भैया, इलेक्ट्रॉन ये देगा इलेक्ट्रॉन ये देगा इलेक्ट्रॉन देगा, तो भैया क्या होगा, ये बॉन्ड जो होता है उतनी आसानी से वियोजित नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन वियोजित नहीं होता है तो भैया ये जल्दी से अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो देखिए क्या हुआ इसमें, अगर ऐसा नहीं होता तो मजबूरी में क्या करता, एक तो दूसरा का भैया हाइड्रोजन परमाणु छोटे छोटे परमाणु भी, इसके कार्बन के चारों अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह की अपेक्षा फिलहाल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और जब छोटे परमाणु हुए तो यहीं पे पहले ही चरण में क्या करता है पास, अगर देखा जाए तो आपस पहले चरण में ही अगर देखा जाए तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो आकर के यहां पर क्या करता है, आक्रमण करता है और बनता क्या आपस कंपाउंड, वो तुरंत अगर देखा जाए तो बनता आपस क्या कुछ इस तरह से बनेगा आपस, ये बनेगा आपस क्या सी है, सी के साथ आपस एच यहां पर है, यहां पर आकर के ओ एच लग गया, एच यहां पर हो गया और एच यहां पर, और प्लस बनता आपस क्या भैया ब्रोमाइड आयन, यहां भी मुक्त होती है। तो ये हो आपके पास क्या SN2 अभिक्रिया, SN2। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म में आपके पास क्या होता है, ये एक ही चरण में होने वाली अभिक्रिया है तो हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। ये हाइड्रोक्सिल आयन है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, इसको हम लोग कह रहे हैं नाभिक स्नेही, और ये नाभिक स्नेही क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है किसके ऊपर भैया, इस कार्बन परमाणु के ऊपर आक्रमण करता है। और आक्रमण पीछे से क्यों होता भैया, क्योंकि भैया यहाँ पे ब्रोमाइड जो है वो थोड़ा सा क्या बड़ा अणु है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर देखा जाए हाइड्रोजन छोटे छोटे परमाणु जिसके चारों तरफ पहरा दे रहे हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं। अब जो छोटे लोग पहरा दे रहे हैं तो भैया कोई भी पीछे से जाकर के उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, तो यहाँ पर आपका आक्रमण जो होता है वो पीछे से होता है।
और जो संरचना बनती है वो कहलाती है पश्चात वाल्डन इन्वर्जन करती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखें अगर मैकेनिज्म कैसा है, तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है। मैकेनिज्म में आपका क्या है, ये अभिक्रिया जो होती है केवल और केवल एक चरण में ही संपन्न हो जाती है, और कैसे संपन्न होती है वो देखते हैं। बनेगा आपका क्या, ये हाइड्रोक्सिल समूह है OH है माइनस चार्ज, जिसको लोग नाभिक से नहीं कह रहे, क्या करेगा ये धीरे धीरे क्या करता भैया, बिल्कुल इसमें आपका क्या हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, और इसके साथ लगा आपका क्या ब्रोमीन। ये क्या करता है इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ या फिर कार्बन परमाणु के साथ क्या करता है, धीरे धीरे संबंध बढ़ाता है, मित्रता बढ़ाता है कि भैया देखो यार ये ब्रोमाइन जो है आपको यार आपके साथ क्या होगा, खाली इलेक्ट्रॉन लेकर के भागने वाला है, ऐसा है वैसा तमाम चीजें क्या करता है ये इस ब्रोमीन के सापेक्ष क्या करता भैया, ये चुगली लगाता है, और जब चुगली लगाता है तो क्या करता है प्लस इसके और इसके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। अरे थोड़ी पार्टी दिया यार, चलो हम आपको राहुल का पार्टी देते हैं, और ऐसी ऐसी बात तुम्हारे उस दोस्त के साथ क्या रहना यार बेकार है, वो कभी तुमको तुम्हारे ऊपर क्या कुछ पैसा नहीं खर्च करता है, तुम्हारे को तुमको पार्टी नहीं देता है, क्या ब्रोमीन के साथ लगे हो यार इसको छोड़ो। तब क्या करता है ये हाइड्रोक्सिल इस प्रकार से धीरे धीरे जो होता है ये क्या करता है इनके और इनके बीच मंद अभिक्रिया, भैया मंद अभिक्रिया चल रही है, और इस मंद अभिक्रिया में क्या हो रहा है एक दिन दो दिन पार्टी दिया, और क्या हुआ इनके और इनके बीच जो होते हैं क्या संबंध धीरे धीरे मधुर होते जाते हैं, और भैया क्या ब्रोमीन के लिए चुगली भी लगा रहा है, ऐसा दोस्त है यार कि तुमको यार बिल्कुल कुछ भी नहीं देता यार, तुम्हारे साथ पार्टी में होता तुम्हारे साथ टहलने नहीं जाता। तो देखा क्या भैया यहाँ पे जो मंद चरण आता है उसमें क्या होता है एक संक्रमण अवस्था आती है, संक्रमण बेचारा संशय में पड़ा हुआ है, असमंजस में यार किसके साथ रहे किसके साथ ना रहे, कौन सा हमारा प्यारा दोस्त है कौन सा अच्छा दोस्त है, तो वो क्या करता है बस यहाँ पर जो बनने वाली जो व्यवस्था है वो क्या होता है ये हाइड्रोक्सिल समूह धीरे धीरे इस कार्बन परमाणु से अपनी दोस्ती को मजबूत करता है, और ये क्या करता है भैया इनके और इनके बीच की दो दोस्ती होती है धीरे धीरे करके टूटना चालू होती है, तो बनता कैसा है वो कुछ इस प्रकार से देखो O और H कार्बन परमाणु के ऊपर आक्रमण किया, तो ये धीरे धीरे संक्रमण अवस्था, ये धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, और उसी समय क्या होती है एक क्रिया और हो रही है जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन चल रही है, दो क्रिया है किसके भैया ब्रोमीन के बीच की, इसके साथ लगे कौन भैया इस प्रकार से दो हाइड्रोजन सॉरी तीन हाइड्रोजन परमाणु तो आपके लगे ही है एक दो और ये तीन, तो ये जो एक अवस्था आती है ये कहलाती है आपकी संक्रमण अवस्था। ठीक है बच्चों, है कैसी ये संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था मतलब होता है कि भैया अब ये संशय में है कार्बन परमाणु यार यार देखो यार ये तो बहुत अच्छा यार पार्टी खूब देता है, और ये यार देखो कभी पार्टी नहीं देता यार घुमाने नहीं ले जाता है, तो जब ये घुमाने नहीं ले जा रहा भाई तो मजबूरी है किसके साथ भैया ये इसी के साथ आकर के जुड़ जाता है। अब क्या होता है भैया एक इनका यार छोड़ो बेकार है यार इसको छोड़ो हटा दो इसको, तो ये क्या करता तीव्रता से बिल्कुल अगला चरण थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीव्रता से क्या करता है इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, बिल्कुल ये तीव्र दर से क्या होता है ये बॉन्ड टूटा और ब्रोमीन बेचारी निकल गई ब्रोमाइड आयन के रूप में, और बना क्या पास ये आ जाता है ओ एच हाइड्रोक्सिल समूह और ये कार्बन, और कार्बन सब ये जैसे ये जुड़े तो इनके इनके बीच प्रतिकर्षण होने की वजह से ये हाइड्रोजन यहां आ गया हाइड्रोजन यहां आ गया और आपका हाइड्रोजन परमाणु यहां पर आ गया, और प्लस क्या निकल गया प्लस भैया बेचारा ब्रोमाइड आयन को हटा दिया गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाता है तो ये जो आपके पास क्या SN2 अभिक्रिया जो होती है वो खाली और खाली एक चरण में संपन्न हो जाती है, और ये जो बनने वाला जो उत्पाद होगा ये आपके पास जो बनता भी है वाल्डन साहब ने क्या देखा था, वाल्डन साहब ने देखा था कि अगर हम लोग कोई ऐसा भी ऑप्टिकली एक्टिव लेते हैं तो वो क्या करे भैया तुरंत उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है बदल जाती है उलट जाती है, तो वाल्डन साहब के अकॉर्डिंग इसको कहा गया वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन साहब ने इसकी खोज की थी कि भाई आपका क्या होगा अगर ये डी प्लस है तो आगे चलकर के क्या बनेगा प्लस एल माइनस होगा, अर्थात अगर हम लोग किसी अभिक्रिया के अंदर कोई एल प्लस या फिर क्या डी प्लस हम लोग ले रहे हैं डी प्लस कोई चीज लिया जा रहा है तो उत्पाद जो बनने वाला होगा वो कैसा होगा एल माइनस होगा, डेक्स्टो रोटेटरी है तो लिवो रोटेटरी हो जाएगा, लिवो रोटेटरी है तो कैसा होगा डेक्स्टो रोटेटरी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो SN2 अभिक्रिया होती है उसको हम लोग द्विअणुक नाभिक संरेखित प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बाय मॉलिक्यूलर कहिए इसको, यूनी मत कहिए यूनी नहीं बल्कि आपके पास क्या होगा बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है बाय मॉलिक्यूलर होता है यूनी मॉलिक्यूलर नहीं, बाय एक अणु कहलाएगा वो ना,
तो यूनिमोलिकुलर लेवल के पास क्या द्वि अणु नाभिक स्नायु प्रक्रिया स्थापन क्रिया है। अब क्या हुआ आपके पास भैया, ऐसे है नाभिक स्नायु, या पास क्या एल्किल हैलाइड है जो कैसी है मेथिल ब्रोमाइड जिसको हम लोग कहते हैं, जब अभिक्रिया होती है तो बनता आपके पास मेथिल एल्कोहल बनता है और ये ब्रोमाइड आयन निकल जाता है। अब अभिक्रिया मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म में क्या है, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है या फिर जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं नाभिक स्नेही कह रहे हैं, और ये जो नाभिक स्नेही होती है वो क्या करता है, वो आक्रमण किसके ऊपर करता भैया, मेथिल ब्रोमाइड पर आक्रमण करता है और पीछे से आक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु बेचारे छोटे छोटे परमाणु है, और छोटे परमाणु है तो यहाँ के आपके पास क्या भैया पीछे से आक्रमण करने की संभावना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पीछे से आक्रमण करता है और क्या करता है इस कार्बन को भी क्या धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है, अर्थात क्या कार्बन से धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ाता है और ब्रोमाइड के खिलाफ ये क्या करता है षड्यंत्र रचता है, जिससे ये क्या करता है ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है और अपना बॉन्ड धीरे धीरे के साथ क्या करता है बढ़ा लेता, नहीं अर्थात रिएक्शन बढ़ा दिया। तो इस प्रकार की जो अवस्था कहलाती थी वो संक्रमण अवस्था। क्यों? क्योंकि बिचारी कार्बन जो है इस समय ऐसी अवस्था में है कि भैया ये इनके साथ जुड़े, इनके साथ जुड़े संशय में है, नहीं तो ये कहलाती है संक्रमण अवस्था। बाद में क्या होता है आपके पास ये तीव्रता से बेहतर होगा, जैसे ही पहली पार्टी हुई इन्होंने क्या कर दिया इस ब्रोमाइड को हटा दिया, छोड़ो यार बेचारा नालायक दोस्त, नहीं तो ये क्या कर दिया ब्रोमाइड को हटाया और इस प्रकार से आपके पास क्या बनता है आपके पास मेथिल एल्कोहल बनता है। जो बनने वाली संरचना होती है वो आपके पास क्या पहले की अपेक्षा उलट जाती है, जिसकी खोज भैया वाल्डन साहब ने की थी, इसलिए भैया इसको हम लोग क्या जो संरचना बनती है वो वाल्डन इन्वर्जन कहलाती है। अब बात आती है क्या इसकी भी क्या अगर देखा जाए तो क्या है भाई, इसमें दो है अभिकारक, ये है और ये है, दो चीजें से मिलकर के बना। तो हम लोग क्या पे देखा जाए जो अभिक्रिया की दर होती है, फिर अभिक्रिया की जिसे हम लोग कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो क्या करती है दोनों की सांद्रता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया किसकी सांद्रता, भैया हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, ये OH आयन की सांद्रता, और फिर क्या आपका भैया ये जो आपका अभिकर्मक है अर्थात क्या मेथिल ब्रोमाइड CH3 Br आयन की सांद्रता, मतलब क्या मेथिल ब्रोमाइड की सांद्रता के क्या होता है समानुपाती होता है। तो जब दोनों की सांद्रताएं हैं तो दोनों के ऊपर क्या पावर वन पावर एन, अतः हमारे पास क्या कहलाती है, कहलाती है आपके पास क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ये द्वितीय कोटि की क्या है अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि किस पद पर निर्भर करती है, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो मंद पद पर निर्भर करती है, और मंद पद में आपके पास क्या दो लोग हैं, एक आपके पास क्या ये आपका अभिकारक है और एक नाभिक स्नेही है, दोनों के बीच अभिक्रिया हुई है तो ये दोनों की सांद्रताओं के ऊपर निर्भर कर रहा है, एक हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जिसको हम लोग नाभिक स्नेही की सांद्रता कह रहे हैं और दूसरा आपके पास क्या अभिकर्मक है इसकी सांद्रता। तो इस प्रकार से आपके पास क्या दोनों पे पावर वन होने की वजह से ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब बात अगर किया जाए इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्रियाशीलता, तो भैया हमने आपको बताया कि क्रियाशीलता इसकी तब ज्यादा है जब भैया क्या पीछे से क्राउड कम है, भीड़ कम है, ट्रैफिक कम है, तब जाकर के पीछे से आक्रमण कर देगा, अर्थात ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्लियर है, सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु है जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम होने की वजह से ये हाइड्रोक्सिल समूह पीछे से इसके ऊपर क्या करता है आक्रमण कर देता है। तो देखा अगर जाए तो क्रियाशीलता सबसे कम किसकी होगी भैया, सॉरी सबसे ज्यादा किसकी हो गई, तो हो गया पास क्या CH3 और Br की, मेथिल ब्रोमाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। अगला क्या होगा भैया, अगर हम लोग देखें जैसे हम लोग यहां पे देख रहे हैं क्या है आपके पास, ये CH3 है, C है, CH3 ये भी है, देखिए अब हमने क्या कर दिया एक स्थान बढ़ा दिया, बाकी जगह पर आपके क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पर भी है और यहां पर क्या होगा Br, अब एक बड़ा समूह आ गया बाकी दो छोटे छोटे समूह भी है तो स्वाभाविक बात क्या होगा ये बड़ा समूह कुछ ना कुछ इसमें अवरोध उत्पन्न करेगा और जब अवरोध उत्पन्न करेगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी, अर्थात क्या बनेगा बना आपका CH3 और CH2, अब इसके साथ होगा क्या Br, ठीक है, अब उससे कम कौन भी क्रियाशीलता, तो ध्यान दिया पे अगला ट्रैफिक बढ़ा दिया, यहां पे भी हमने क्या कर दिया एक CH3 परमाणु और CH3 अणु और लगा दिया, फिर समूह और लगाया, ये भी आकार बड़ा हो गया, जब आकार और बड़ा हो गया तो क्या बना आपका CH3 का होल ट्वाइस, CH3 टू टाइम्स और CHBr ने, तो बनेगा आपके पास क्या CH3 टू टाइम्स और बना CH और Br, इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई और सबसे कम किसकी हो गई, अगर देखा जाए तीनों जगह एल्किल समूह लगा दिया CH3 बिल्कुल, अब देखो यहां पे क्या हो गया आपका जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो यहां पर आक्रमण उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा सबसे कम क्रियाशीलता किसकी हुई CH3 का होल थ्राइस C और Br,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या है, ये आपका एस एन वन अभिक्रिया की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एस एन टू रिएक्शन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि जो SN2 के लिए अगर देखा जाए तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास ये होती है, अर्थात मिथिल ब्रोमाइड जो होती है सबसे ज्यादा क्रियाशील, तृतीयक जो होती है सबसे कम क्रियाशील, द्वितीयक उससे ज्यादा क्रियाशील, प्राथमिक उससे ज्यादा क्रियाशील, और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होती है, वो आपका मिथिल वाली जो होती है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों हमने आपको बताया है SN2 अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, द्विअणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो इस प्रकार से दिया गया है, लिखते हैं लोग क्या भैया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, बाई मतलब होता दो, कैसे है तो आपके पास ये देखा जाता है जो मिथिल ब्रोमाइड है वो आपके पास क्या नाभिक सन्निहित के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण होता है और बनता है क्या मिथिल एल्कोहल बनता है और ये ब्रोमाइड आयन यहां से फ्री हो जाता है। अब इसकी अगर क्रियाविधि के बारे में बात करें तो क्रियाविधि में क्या है, क्रियाविधि में आपके पास है क्या जो हाइड्रोक्सिल आयन है, अगर देखा जाए मिथिल समूह में तो ये हाइड्रोजन परमाणु पीछे छोटे छोटे परमाणु होते हैं जिसकी वजह से भैया इस कार्बन परमाणु का प्रोटेक्ट ये नहीं कर पाते हैं और ये हाइड्रोक्सिल समूह क्या करता है पीछे से इसके ऊपर आकर आक्रमण करता है, और जब पीछे से आक्रमण करता है तो पहले आक्रमण करके ऐसा नहीं तुरंत बॉन्ड टूट जाता है, ये धीरे धीरे क्या करता है इस ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल के बीच होता है, इस कार्बन परमाणु के ऊपर ये संयंत्र रचता है, क्या मतलब यार अपनी दोस्ती कार्बन परमाणु से बढ़ाता है और दूसरा क्या ब्रोमीन के लिए क्या बॉन्ड तोड़ने को कहता है यार छोड़ो उसको क्या करना है। तो देखिए एक ऐसी अवस्था आई है जिसमें दो चीजें हो रही, एक तो आपके पास क्या हो गया ये बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, ये बी ओ एन डी बॉन्ड फॉर्मेशन एफ ओ आर और एम ए टी आई ओ एन ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है भैया तो आपके पास चल रहा है क्या बॉन्ड डिसोसिएशन, तो यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन चल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों एक साथ चलता है जिसकी वजह से ये अवस्था कहलाती है आपका क्या संक्रमण अवस्था कहलाती है, जिसको लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। होगा क्या ये तीव्रता से बनाता है आपका क्या भैया आपका बनता है मिथिल एल्कोहल बनाता है, जो संरचना जो होती है प्रारंभिक संरचना की अपेक्षा क्या होती है उलट जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं वाल्डर इन्वर्जन, अर्थात अगर हमारे पास क्या होगा हम अभिकर्मक में डी प्लस लेते हैं तो जाकर के क्या आगे चल करके हमको एल माइनस वाला पास क्या उत्पाद मिलेगा। फिर हमारे पास आती है अभिक्रिया की कोटि, अगर देखी जाए तो हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि बच्चों अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो मंद पद पे निर्भर करती है, जो मंद चरण होगा उसी में आपके पास क्या जो जो सांद्रताएं होंगी उसी के आधार पे क्या हम लोग इसकी भैया क्या हुआ भैया निकाल सकते हैं किस कोटि की अभिक्रिया, तो अभिक्रिया की कोटि अगर ज्ञात की जाए तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास क्या भैया जो भी अभिकारक है उनकी सांद्रताओं पर, अभिकारक में दो चीजें यहाँ पे देखने को, एक आपके पास क्या नाभिक सन्निहित अभिकर्मक है और आपके पास यही कहेगा दोनों की जो सांद्रताओं पर ये निर्भर करेगा तो ये कहलाएगा आपके पास क्या द्वितीय कोटि, क्योंकि दोनों की पावर आपके पास क्या है एक और एक है इसलिए अभिक्रिया कहलाएगी क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा मिथिल ब्रोमाइड, क्यों क्योंकि भैया छोटे छोटे ये परमाणु है जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल समूह आसानी से आकर इसके ऊपर आक्रमण करता है और इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है पीछे की तरफ एल्किल समूह को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं पीछे से आक्रमण करने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे क्या हो रही है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण इनकी क्रियाशीलता जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं एल्किल समूह बढ़ाते हैं इनकी क्रियाशीलता क्या होती है लगातार कम होती रहती है। ठीक है बच्चों, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों आप लोग मेहनत करें स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें, ठीक है, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर आए या फिर क्या सबसे ज्यादा नंबर आए, जिससे आपका नाम हो आपके परिवार का नाम हो आपके गार्जियन का नाम हो। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं।